आपका क्या? 7 से 8 लाख। ओके, और इसकी डाउन पेमेंट अगर कोई रेट भी नेगोशिएबल है, विद ट्रांसफर है, और अगर हमारे थ्रू पे आता है तो भैया उसको थोड़ा सा और कर देंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये रेट जो है ये MP04 विद ट्रांसफर EMI के थ्रू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं। अभी मैं खड़ा हूँ कार वर्ल्ड में, और ये है गाड़ियों का स्टॉक जो आप देख सकते हो। भैया सेकंड हैंड गाड़ियों में डील कर रहे हैं, तो आप लोग जिस सेगमेंट में चाहो उस सेगमेंट में आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। जैसे कि पहली ये वर्ना खड़ी हुई है अपनी सेडान में, फिर इधर आप देखोगे तो सारी हैचबैक खड़ी हुई है ना, फिर उधर एक खड़ी है आपकी SUV, जो मतलब बड़ी गाड़ियों में अगर आप जाना चाहते हो तो बड़ी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं। तो मैं सारी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ आपका भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल में, और जो इनके ओनर हैं यहाँ पे, जो ओनर हैं उन भैया से भी मैं आपको मिलवा दूँगा। तो भैया बस आइए ना, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करें। तो अब हमारे साथ यहाँ के ओनर भी आ चुके हैं, तो मैं भैया को बोलूँगा भैया प्लीज़ आप आए और अपना नाम बताएं सबसे पहले। तो मेरा नाम गगन सिंह लांबा है, और भैया सेकंड हैंड गाड़ियों में डील करते हैं। सबसे पहले गाड़ी हमारी पोलो रहने वाली। भैया कौन सा मॉडल है? ये 2010 मॉडल है भैया, पेट्रोल वेरिएंट है, टॉप मॉडल है। ओके, टॉप मॉडल है। भैया कितने किलोमीटर चली होगी ये गाड़ी? लगभग 72,000 है। भैया इसकी प्राइसिंग क्या आ रही है? 290 आस्टिंग है। तो आप देख सकते हो इस गाड़ी का, मतलब इस गाड़ी के अगर फ्रंट में देखो तो आप गाड़ी का स्पीकर देख लो, रेडिएटर ग्रिल्स वगैरह, मतलब पूरी गाड़ी कंप्लीट है। आप आओ यहाँ पे, गाड़ी पूरी चेकआउट करके आप गाड़ी ले सकते हो। मैं अभी इंटीरियर भी अंदर का आपको गाड़ी का दिखा दूंगा। अंदर आपको वाइट इंटीरियर मिल जाता है ब्लैक के साथ, मतलब ड्यूअल टोन में इंटीरियर आ जाता है, और गाड़ी पूरी नीट एंड क्लीन रखी हुई है। AC के वेंट्स, स्पीकर वगैरह, मतलब पूरी गाड़ी कंप्लीट है। बस आप आओ और अपने हिसाब से जो भी आपको गाड़ी लेनी हो वो आप आके यहाँ से ले सकते हो। तो हमारी जो नेक्स्ट गाड़ी है क्विड है। भैया क्विड में भी आप इसका मुझे मॉडल बता दीजिए। ये 2016-17 है, और ये कितने किलोमीटर चली रही है? इसकी आस्किंग प्राइस क्या है? आस्किंग प्राइस इसकी 325 चली है। 325 इसकी आस्किंग प्राइस है। ये चली 42,000 किलोमीटर चली हुई है। गाड़ी का मैं इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। ये गाड़ी की कुछ की है जो कि आपको सेंटर लगे, फुल ओरिजिनल है। कहीं से भी मतलब आपको आप मैच कर लो, जब भी आप आओ आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हो। कहीं से भी आगे से फुल की टचिंग होगी तो वो मैं बता दूंगा। ये फुल बाकी मैं आपको अंदर का इंटीरियर दिखा देता हूँ। इसका इंटीरियर आप देखो, तो इंटीरियर में आप देख रहे हो इतना बड़ा आपको पैनल भी दिख जाता है, स्टीरियो पैनल। उसके बाद AC के वेंट्स हैं यहाँ पे, ग्लो बॉक्स, मतलब नीट एंड क्लीन इंटीरियर है। सीट कवर देख सकते हो, कहीं से भी कुछ भी टीयर्स नहीं है। पीछे का मैं भी आपको, पीछे से अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है गाड़ी में। मैटिंग वगैरह डली हुई है, अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से मैटिंग चेंज भी करवा सकते हो गाड़ी की। और पावर विंडो नहीं आते इसमें, आपको मैन्युअली इसको वो करना पड़ेगा। आगे के लिए पावर विंडो है इसलिए, लेकिन पीछे में पावर विंडो नहीं आते। दूसरी हमारी जो हैचबैक रहने वाली वो आइटम है। I10 में भी हमारी मतलब हुंडई की कौन सा मॉडल है? I10 2008 मॉडल है, मैग्ना वेरिएंट। मैग्ना वेरिएंट है। आस्किंग प्राइस भी है बता देंगे आपको। आस्किंग प्राइस 2,10,000 रुपये की आस्किंग है। ओके, तो गाड़ी में जो आप देख रहे हो फ्रंट से, ऐसा नहीं है कि गाड़ी हमने मतलब आपको कुछ भी वीडियो में एडिट करके एकदम रॉ चीज़ में आपको दिखा रहा हूँ। आप आओगे सेम चीज़ आपको मिलेगी, और भैया आपको जो भी रहेगा सारी चीज़ें भैया आपको क्लियर कर देंगे। जो भी प्राइस आएगा, जो भी आस्किंग प्राइस है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये जो प्राइस है नेगोशिएबल रहेगा भैया, बिल्कुल नेगोशिएबल रहेगा। मैं आपको अंदर से एक बार गाड़ी का इंटीरियर इसका भी दिखा दूँगा। आप देख सकते हैं इसका स्टीरियो, अंदर का स्टीरियो वो लगा हुआ है आपको। बाकी AC के वेंट्स आ जाते हैं, मैनुअल ये गाड़ी है। आप खुद जज कर सकते हो कि गाड़ी कितनी हुआ है, और बाकी आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको और अच्छे से देखने को मिल जाएगी ये चीज़। हमारी जो नेक्स्ट गाड़ी है वो वर्ना है, हुंडई वर्ना। हुंडई वर्ना भैया इसका 2018 मॉडल है। ओके, और 1.6 डीजल है ये, टर्बोचार्ज के साथ आता था इसका इंजन। हाँ, और ये क्रूज कंट्रोल भी है, सब कुछ है। ओके, सेकंड टॉप है, टॉप से जस्ट एक इंच है। ओके, इसका आस्किंग प्राइस भी आपका क्या? 8 लाख। ओके, और इसकी डाउन पेमेंट अगर कोई EMI के थ्रू कराना चाहता है तो उसकी डाउन पेमेंट कितनी आएगी? भैया इस पर हो जाएगा 75-80% का फाइनेंस। ओके, 75-80% इस पर फाइनेंस हो जाएगा। रेट भी इसमें नेगोशिएबल कर देंगे। रेट भी नेगोशिएबल है, रेट विद ट्रांसफर है। और अगर हमारे थ्रू पे आता है तो भैया उसको थोड़ा सा और कर देंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये रेट जो है ये MP04 विद ट्रांसफर, इसमें कुछ अलग नहीं देना पड़ेगा।
ओके, इंश्योरेंस भी मे बी वैलिड होगा इसका, इंश्योरेंस इसका वैलिड है, इंश्योरेंस का वैलिड है। ओके, मैं इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, फ्लिप की के साथ ये गाड़ी की चाबी है, आप देख सकते हो पूरा नीट एंड क्लीन इंटीरियर है गाड़ी का, आर्मरेस्ट के साथ ये गाड़ी आती है, मैनुअल गाड़ी है, गाड़ी पूरी नीट एंड क्लीन रखी हुई है, मैटिंग वगैरह सब कुछ है गाड़ी के अंदर, तो आप देख सकते हो क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है, स्टीयरिंग पे स्टीरियो कंट्रोल करने के लिए माउंटेन कंट्रोल बटन दिए हुए हैं, MID आप इसकी देख सकते हो। तो ये है हमारी सियाज, सुजुकी मारुति सुजुकी सियाज है ये, तो इसका ये कौन सा वेरिएंट है, ये अल्फा टॉप मॉडल है, पुश स्टार्ट बटन के साथ कीलेस एंट्री के साथ ही गाड़ी आती है, इसका आस्किंग प्राइस इसका आस्किंग है 780 आस्किंग है, और बाकी जो रहेगा EMI में आप आना चाहो या फिर डायरेक्ट फुल पेमेंट के साथ लेना चाहो तो उसके साथ भी ये गाड़ी अवेलेबल है। कितने किलोमीटर चली हुई है भैया, ये 38,000 किलोमीटर चली हुई है, तो आप देख सकते हो इसका इंटीरियर भी हम आपको दिखा देते हैं, इंटीरियर इसका ड्यूअल टोन में आता है, पूरी नीट एंड क्लीन वाइट सीट कवर चढ़े हुए हैं गाड़ी के ऊपर, और आपको LED पैनल देखने को मिल जाता है स्टीरियो में भी, तो फुल मैनुअल गाड़ी है, बाकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी इसके अंदर। तो ये हमारी महिंद्रा की XUV है 500, तो इसका आस्किंग प्राइस क्या है, इसका आस्किंग है 9.5 लाख रुपये। ओके, इसका आस्किंग 9.5 लाख रुपये है, और फिट ट्रांसफर 46,000 रनिंग है XUV के हिसाब से, 46,000 काफ़ी कम रनिंग है इस गाड़ी की, तो आप देख सकते हो गाड़ी, मैं आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी का। अगर कोई यहाँ पे गाड़ी लेने आता है तो उसको भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने पड़ते हैं EMI के लिए, ये देखिए यहाँ पे आके अगर वो आएगा तो उसको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट बैंक वाला अगर वो भोपाल लोकल के नहीं है कहीं आस पास सागर का है तो वहीं से ही कलेक्ट कर लेना है। ओके ठीक, जो उनका बैंक स्टेटमेंट इनकम प्रूफ वगैरह में बैंक स्टेटमेंट है या सैलरी स्लिप है या बिजली बिल वगैरह है वो वहीं से बैंक वाला वहीं से ले लेगा, तो मतलब और EMI कराने के लिए आप आते हो तो 2 से 3 दिन लगते हैं, उसके बाद गाड़ी आपको EMI के ऊपर हैंड ओवर हो जाती है, और जिस शहर में है कहीं पे भी ना, मतलब ऑल ओवर MP में कहीं पे भी आप गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ की जो भी आपको लोकेशन है, भैया का फ़ोन नंबर है, भैया का एड्रेस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं वीडियो के एंडिंग पार्ट में हूँ, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आएंगी, और दूसरे प्रोजेक्ट पर मेरा काम चल रहा है, ये भी मेरा एक प्रोजेक्ट था जिस पर आज मैंने मतलब सोचा कि इस कार वर्ल्ड में आगे शूट करना है, तो मैंने आप लोग के लिए वीडियो लाया, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप सिनेमैटिक्स और सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो और रील्स चाहते हो और मेरे डेली लाइफ अपडेट चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा ऑफिशियल कार चैनल, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझे आके, और जो भी अगर गाड़ी के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे DM कर सकते हो या फिर भैया को कॉल कर सकते हो, और मैं ये भी लास्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें कि भैया को कोई कॉल करके प्लीज़ परेशान मत करना, अगर गाड़ी जेन्युइन में आपको लेनी है तो आओ, जो लोग आते हैं ना कि यार फालतू की क्वेरी कर रहे हो गाड़ी लेनी ही नहीं है तो वो काम मत करो, यहाँ पे जेन्युइन काम होता है, जेन्युइन सारी चीज़ें हैं आपके सामने, सारी चीज़ें होंगी तो आप आके देख सकते हो, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वीडियो में कवर कर दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।